हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि एससीटी अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें हर ओर से रोक दिया गया। उसके बाद एक तरफ की गेट खुली तो ये अभ्यर्थी वहां से निकलकर जो रास्ता सचिवालय की ओर जाता है उधर बढ़े, लेकिन चाणक्य गोलंबर के पुल के ऊपर इन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। उससे पहले जब यह अभ्यर्थी गर्दनी बाग पुल से चाणक्य गोलंबर की ओर बढ़ रहे थे तब भी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। यह अभ्यर्थी पैदल ही सचिवालय विधानसभा की ओर बढ़ने लगे जब पुलिस आगे पहुंची, और पुलिस बहुत कम संख्या में थी इसीलिए इन छात्रों को रोक पाने में असमर्थ रही। पुलिस के साथ यहां थोड़ी रस्साकशी भी हुई, थोड़ी बहुत लाठियां भी चटकाई गई ताकि यह अभ्यर्थी जो बेहद ही नाराज और आक्रोशित थे वो रुक सके, मगर अभ्यर्थी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और किसी तरह ये लोग पुलिस को चकमा देकर आगे भागते हुए नजर आए। सदर के एसडीएम भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी अपनी लाठी निकाली मगर उनकी लाठी भी इन छात्रों के आगे कुछ काम नहीं आई, इन अभ्यर्थियों के आगे कुछ काम नहीं आई और अभ्यर्थी जो है आगे चाणक्य गोलंबर की ओर बढ़ गए। फिर आईपीएस काम्या मिश्रा पहुंची और उन्होंने छात्रों से बात की, उन्हें समझाने का प्रयास किया मगर तब तक कुछ छात्र पीछे लौट गए थे और बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ गए थे। और उन्हें बाद में रोकने का प्रयास चाणक्य गोलंबर पुल पर किया गया जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उन्होंने जब इन अभ्यर्थियों को आगे बढ़ते हुए देखा तो वो पहुंचे और इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की, इन्हें समझाने की कोशिश की मगर छात्र अभ्यर्थी अपने बातों को लेकर अड़िग थे और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी यह बात समझाई। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंचे और फिर एक छात्र को हिरासत में भी लिया गया, बाकी छात्रों से बातचीत की गई। बाद में काम्या मिश्रा भी यहां पहुंची और उन्होंने बातचीत कर छात्रों को समझाया कि आप कृपया गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ही रहें और इधर उधर ना जाएं क्योंकि इससे सिटी की व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगी और फिर आप में से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा। आगे का अपडेट भी हम आपको बताएंगे इसी चैनल लाइव बिहार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो